अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बर्ड्स प्लैनेट। तो दोस्तों आज हम कुछ लेट हो चुके हैं, अपने कबूतरों को दाना डालने के लिए आए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं शाम के साए काफ़ी हद तक गहरे हो चुके हैं और हम एक सिलसिले में एक जगह गए हुए थे तो जिसकी वजह से थोड़े से लेट हो गए। तो वो आप देख सकते हैं, कल एक हमने टेडी जोड़ा बंद किया था अपना वो, तो आज माशाल्लाह से सुबह मैंने इनको खोल ही दिया था, फिर मैं चला गया था और अभी थोड़ी देर पहले आया हूँ तो देखा है कि नार ने जो मादी को गेर में डाला हुआ, तो माशाल्लाह से काफ़ी तक अच्छा जोड़ा लग गया। सारे कबूतर हमने एक साथ कर दिए, जिसमें आप देख सकते हैं कि कुछ फैंसी कबूतर भी हैं और कुछ इस तरह के फैंसी हैं। बकाया सारे हमारे ब्रीडर कबूतर हैं जितने भी, आप देख सकते हैं ये गोल्डन मादी है। ख़राब हो गए थे तो लेकिन काफ़ी हद तक बेहतर हो गए। यहाँ देखें, इनको थोड़ा और डाल देते हैं अभी ताकि कबूतर बाहर आएँ और आके खा लें। अब दायर शाम हो गए, बच्चे तो कबूतरों के कुछ ही जोड़ों ने बच्चे निकाले में, और इतने ज़रूरी भी नहीं है कि मतलब कि कबूतरों को। तो आप देख, ये कबूतर, हाँ इस वाले कबूतर के मैंने आप दोस्तों आपको भी शौक करवाना था, बड़ा अच्छा कबूतर है, परवादी कबूतर। एक बंदे ने भेजा, कह रहा था इसके बच्चे लेना, तो बच्चे लेके फिर चेक करना ये। अब दोस्तों एक और बात मैं आपको बताता चलूँ, क्या मैं क्या हमको कबूतर बच्चों में डाल देनी। हाँ कबूतर में सारी क्वालिटियाँ, तो फिर भी हम सोच सकते हैं बच्चों में डालने का। तो अभी इसके ब्रीड में हमने इन ब्रीड किया एक मादी के साथ। इसकी मादी कहाँ पे गई है, इसकी मादी शायद इसने अंडे वगैरह दिए हैं। मैं महीना है, हफ्ता एक होने वाला, हमने 2-3 हफ्ते हो गए लाए हुए, तो इसका बाकायदा तसल्ली के साथ शो करवाऊँगा क्योंकि इसकी बहुत बुरी हालत थी इस वाले कबूतर की। ये नार है जी कम अगर किस्म का नार है, मतलब काफ़ी हद तक बेहतरीन नार है, पक्की हड्डी जो परफेक्ट जिसके कहते हैं ब्रीड अलग कबूतर। तो ये ला आप देखें, तो दोस्तों आप देखने लादमी माशाल्लाह भी बोलेंगे क्योंकि कबूतर बहुत है, जोड़ा हमने बहुत आउट क्लास लाया है क्योंकि मादी हमारी परवादी मादी थी और नार भी हमारे पास समझो आ ही गया, एक दोस्त के पास से हमने लाया है, तो जोड़ा पूरा हमारे पास बन गया। तो वो भी इंशाल्लाह किसी दिन तसल्ली के साथ शो करवाएंगे। एक वो अंदर का मगर कबूतर है, वो भी हमने इन ब्रीड किया, परवादी कबूतर था हमारा। और भी इधर काफ़ी अदर कबूतर है, काला टेडी कबूतर है, उसका भी शो करवाएंगे। कुछ कम मगर भी हमने दफ़ा अपनी ब्रीड में छोड़े हैं, जैसे कि हमारे पास कम मगर कबूतर थे, लेकिन ये आप देख सकते हैं एक अमर कबूतर है इसके साथ का। तो ये हमारा सबसे शहजादा कबूतर है, फिरोजपुरी कबूतर, माशाल्लाह से इसने तो काफ़ी अदक हमें जिस तरह ना एक अंधेरी बना दी थी पूरे उसमें, तो अब हमने इसे इन ब्रीड किया क्योंकि दोस्तों मतलब कि परिंदा होता है जाल से निकल जाए तो उसको कोई ज़िम्मेदार नहीं होता, कोई वाली वारस नहीं होता कि सिवाय खुदा की दाद के, और उस परिंदे की ब्लड लाइन बोलती है कि वो क्या कुछ कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने इसको इन ब्रीड किया और आगे उसके बच्चे भी हमारे पास काफ़ी तक परवादों में पड़े हैं। आप देख सकते हैं कि उसके एक्सटेंडिंग पोज जो होता है ब्रीड कबूतर के, उसके साथ इसकी मादी लगाई, मादी थोड़ी सी इसकी कमज़ोर हो गई थी जिसकी वजह से हमने इसकी दुम काट दी थी। बकाया ये नार भी दुम निकाल रहे हैं, क्रीद वगैरह में लगा क्योंकि परपट्टियों का मौसम शुरू हो चुका है, बकाया मतलब सारा कुछ सेट है। और ये हमारा बड़ी चोंच वाला शार का कबूतर भी निकल गया, शायद मेरे ख्याल में इसमें बच्चे निकाले में। ये हमारी जो है ये पुरानी, बहुत पुरानी मादी है, अंडे बच्चे निकालती है। आप बीच बीच में देख ले होंगे कि कुछ कबूतरों को ना पुराना था लगवाया, लेकिन पुराना लगवे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे वो मतलब पक्के कबूतर है मेन, जिसे कहते हैं ना परवादी कबूतर। तो परवादी कबूतर जैसे कि हमारे थोड़ा सा डिफेक्ट पड़ जाए तो हम उन्हें ब्रीड में लगा देते और फिर आगे उनकी नसल चलती है। तो हमारा बेसिकली दोस्तों शेड्यूल और हमारा सारा सिस्टम यही है कि पहले कबूतर को उड़ाओ, चाहे जितना से जितना मर्जी अच्छा कबूतर हो, तो फिर उसको हम इन ब्रीड करते। तो अब वो अलग कबूतर एक लेके आए थे जो आप दोस्तों को दिखाना, कम मगर कबूतर अंदर चला गया, तो उसका भी दोस्तों यही सीन है क्योंकि वो भी एक तरह के तरह का कबूतर है ना, वो अलग कबूतर, हाँ वो अब निकल के आए, वो भी उसने मतलब कि बे इंतहा अच्छी परवादें दी हैं, तो जिसकी वजह से हमने उसको इन ब्रीड किया। बकाया आप देख सकते हैं ये ली मादी हमने पहले छोड़ने का दिल था, लेकिन ये फिरोजपुरी नार की मादी है तो इसको हमने नहीं छेड़ा। ये हमारा एक बड़ा देसी कबूतर है, इसका भी इंशाल्लाह शौक करवाएंगे। बहुत सारे नए कबूतर आए हैं और ये भी एक नया जोड़ा छोड़ा था, मतलब कि लगाया था अपने परवादी कबूतरों को, तो ये भी हम इंशाल्लाह शौक करवाएंगे। बीच में ब्रीडर, तो दोस्तों ब्रीडर है जी, अगर आपने अपने ब्रीडर बनाने ना, ब्रीडर की क्या मिसाल है, ब्रीडर कबूतर बनाने का तरीका कार भी यही है कि पहले आप उसको उड़ाओ, हर तरह से उसकी गारंटी वारंटी मतलब कि अहतमाद उस कबूतर का, आपका जो अहतमाद होगा ना तो वो उस कबूतर के ऊपर आएगा, तो फिर जाके वो इन ब्रीड होगा। तो ऐसा ऐसे वैसे हर अगर को कबूतर हम उठा के भी नहीं डालते। ये आप देख सकते हैं जितने रंगीन रंगीन टेडी कबूतर है सारे परवादों में हमारे पास उड़े हैं, तो जिसकी वजह से आज ये जोड़ों में हमारे पास इधर खा पी रहे हैं मौज मस्ती से। तो दोस्तों जैसा क्या ना, अभी मगरिब के दाने होने वाली, मगरिब हाँ जी मगरिब के दाने होने वाली हैं, थोड़ा ही टाइम रह गया, तो हमने अपने कबूतरों को दाना वगैरह डाले, तो शायद किसी ने घर से भी हमारे दाना वगैरह डाल दिया था, तो यही हमारा शौक है। अभी आधे कबूतर अंदर हैं, बच्चे शच्चे निकाले हैं, वो भी किसी दफ़ा इंशाल्लाह इन दिन थोड़ी थोड़ी करके हम ब्रीड का दिखाएंगे। तो दोस्तों आपको मजा के हमारे पास
डिफरेंट के इस तरह कह लें कि हर तरह की ब्रीड मौजूद है। अगर आप दोस्त चाहें तो हमें मतलब कमेंट में भी बता सकते हैं कि आपको किस तरह की और कौन सी ओरिजिनल ब्रीड चाहिए, मतलब के देखने का शौक करता है तो आप लाजमी हमें कमेंट में बताएंगे तो हम आपको उसी तरह की उस ब्रीड का शौक करवाएंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो का लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर ऑनलाइन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो। और दोस्तों आप लाजमी बताएंगे कि आपको हमें अपना आपको ये हमारा टेडी जोड़ा कैसा लगा, तो जोड़ा आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर तो दोस्तों अल्लाह हाफिज़, फिर हम आने इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।